जिसकी वजह से हम लोग जो है यहाँ पर एक टिप थे वह था जी YouTube का जो एक टॉक्सिक कल्चर है, अगर आप निगेटिविटी फैलाओ सबसे ज्यादा व्यूज मिलेगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद आप जो है शो ऑफ करो उसके ऊपर आपको व्यूज मिलेगा। फिर उसके बाद जो है सिंपैथी नहीं होता है लेना एक, तो वो एक आप लोग तो उससे आपको व्यूज मिलेगा। जैसे कि मैं कुछ चैनल का नाम लेता हूँ, मैं यह नहीं कहूंगा कि वो लोग जो है जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है ऐसा करना। मुझे लगता है कि मेरा जो एक आइडियोलॉजी है, मेरा जो अपना एक सिद्धांत है, उसके विरुद्ध जा करके वो सब काम करना पड़ जाता है, तो वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता था करने के लिए, तो इस वजह से भी सोचता था यार छोड़ो ये सब चीज। और बाकी जी यहाँ पर शो ऑफ बहुत ज्यादा करना पड़ता, देखते होंगे YouTube की पॉलिटिक्स। जी हाँ, यहाँ भी पॉलिटिक्स होती है और अच्छी खासी पॉलिटिक्स होती है, आपने तो कुछ पॉलिटिक्स देखा भी होगा। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज आप लोग जो है हम लोगों को बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। जी हाँ, बहुत दिनों से जो है हम लोग YouTube पर नजर नहीं आए, हम लोगों ने जो है ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था, और जिसकी वजह से जो है मैं देख रहा था हमारे जो भी चाहने वाले हैं उन सभी का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था, चाहे फेसबुक का हो पोस्ट, चाहे इंस्टाग्राम का पोस्ट हो, चाहे यूट्यूब का हो, और उसके बाद तो मैसेज जो है हमारा भर गया था फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। मैं सबको रिप्लाई कर रही थी लेकिन बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो आज प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड, जो जिससे सभी को एक बार भी जवाब मिल जाए, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक करके जो है जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। एक महीने हो गए, एक महीने हमारा दो ब्लॉग आया था। बिल्कुल हाँ, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे जी, मुख्यतः चार पॉइंट है, जिस चार पॉइंट पर हम बात करेंगे उसमें से जो तीन पॉइंट मैं बताऊंगा जो मेरा कारण था कि हम लोग जो है नहीं आ पा रहे थे हम लोग YouTube पर, उन तीन वजहों पर बात करेंगे हम, और एक पॉइंट जो रहेगा जो हमारा आगे का जो प्लान रहेगा उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो अब एक एक करके जो है विस्तार से आप लोग भी आराम से बैठिए, और आप लोग चाय नाश्ता जो लेना है सामने ला करके रख लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही तसल्ली से आप लोगों से बात करेंगे जो आज तक हमने कभी नहीं किया, नहीं बिल्कुल कभी बताया। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि बोलना चाहिए लेकिन लग रहा था पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी वजह से जो है हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज सोचा कि शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी अपनी फैमिली जैसे हैं, क्योंकि ये बहुत दिन से परेशान चल रहे थे, बहुत दिनों से सोचते थे कि क्या करे क्या नहीं करे, तो सबने सजेस्ट किया कि एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, सबको समझा दो, फिर जो करना होगा करेंगे। बिल्कुल, आज के वीडियो में जो है किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को इंडिविजुअली हम टारगेट नहीं करेंगे, बस जो वैसे भी हम लोग नहीं करते, बिल्कुल हम लोग का कभी आदत भी नहीं है। और आज जो है आपसे दिल की बात करेंगे जो बहुत दिनों से शेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि सुना है कि शेयर करने से जो है थोड़ा सा आपको अच्छा फील होता है, तो इसीलिए एक एक करके जो आप धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है जी, जिसके कारण हमने जो है वीडियो बनाना छोड़ दिया था, वह था जी घर में कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, जिन्होंने भी देखा होगा हमारी वीडियो को, कि जिया के दादाजी बीमार पड़ गए थे, और इनके दादाजी की ऐसी हालत थी कि डॉक्टर सब कह रहे थे कि 1% 2% सर्वाइवल चांस ऐसा करके, तो ऐसा लग रहा था कि अब बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, और 12 से 13 दिन हम लोग हॉस्पिटल ही रहे हम लोग वहाँ पर, और इतना परेशान हो गए थे सभी लोग, सभी परिवार वाले। तो उस बीच में जो है बस खाली एक बार अपडेट डालने के लिए हमने डाल दिया था कि हाँ दादाजी जो है बीमार है, और एक बार जब दादाजी जब डिस्चार्ज हुए तो बस वो एक अपडेट डाल दिया था। उसके बाद जो है क्या हुआ कि सोचा कि अब जो है दादाजी ठीक हो गए, अब जो है वीडियो बनाना शुरू करते हैं, लेकिन फिर हुआ क्या, हम बीमार पड़ गए, और लगभग अच्छा खासा दिन बीमार पड़ गए, फिर उसके बाद क्रियांश बीमार पड़ गया। तो हम जिया को कह रहे थे कि जिया ऐसा करो कि हम तो नहीं बना पाएंगे वीडियो, सब व्लॉगिंग सब नहीं कर पाएंगे, तुम करो। मुझे उतना यूट्यूब का नॉलेज नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ भी छोटी सी गलती हो जाती है, जैसे कि मुझे उतना ध्यान नहीं रहता, ये बहुत कुछ सोच समझ के वीडियो बनाते हैं जो कि मेरे से पॉसिबल नहीं है, और मुझे YouTube का उतना भी नॉलेज नहीं है जो कि मैं कर पाऊँ, इस वजह से मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो छोड़ दीजिए। हाँ जी, तो कुछ ऐसी बात थी, और अब जो है कोशिश करेंगे कि जिया भी धीरे धीरे जो है सीख जाए इस चीजों को, ताकि मेरा बोझ जो है थोड़ा सा हल्का हो जाए, और मैं कुछ अलग चीजों पर जो है अपना फोकस कर पाऊँ। मैं ये चीज जरूर करूंगी कि अगर मैं प्रॉपर सीख गई सब कुछ, तो मैं सब कुछ खुद से हैंडल करूंगी, और ये अपना जैसे दूसरा काम कर रहे हैं वैसे अपने उस काम पे 100% दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ ऐसा यहाँ पे इतनी मैं आगे बात होगी इन चीजों को लेकर, इतनी कुछ कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है ना जिसके कारण ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जो कि मैं इन दिनों में झेली हूँ, बिल्कुल इस वजह से मैं चाहूंगी कि ये नहीं करें। हाँ जी, कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर के आगे बात करेंगे, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 है। तो अभी बात करते हैं जी पॉइंट नंबर 2 पर। तो जो हमारा दूसरा वजह था जिसकी वजह से हम लोग जो है यहाँ पर एक टिप थे,
वह था जी YouTube का जो एक टॉक्सिक कल्चर है। टॉक्सिक कल्चर ही बोलेंगे, मुझे लगता है कि टॉक्सिक ही इसके लिए थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि होता क्या है जी, ब्लॉगिंग का जो है कुछ कैटेगरी है कि अगर आप इसी टाइप के वीडियो डालो तो आपका वीडियो चलेगा, ज्यादा आपको रिस्पांस आएगा। और एज ए क्रिएटर हर किसी को जी रिस्पांस चाहिए होता है, इससे जो है हौसला बढ़ता है। जी कहने की बात होती है, जैसे कि मेरा बात था, मैंने सोचा था मेरा एक अपना पैशन है यूट्यूब, और यहाँ पर जो भी अपना लाइफ होगा उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और इसको शेयर करेंगे लोगों के बीच। जब शेयर करते हैं लोगों का रिस्पांस उसमें कम आता है तो जाहिर सी बात है जी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो है अपना बहुत टाइम देना, बहुत समय लगता है जी। और यूट्यूब के बारे में कह दो जी, यूट्यूब बिल्कुल भी पार्ट टाइम चीज नहीं है। जिनको भी नहीं पता यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब में आपका अच्छा खासा समय लगता है तो एक फुल टाइम जॉब के तरह ही होता है। आप समझ सकते हो, कोई भी अगर जॉब पे जा रहा है तो जॉब से आता है तो थक जाता है, सोचता है कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, और उसे छोड़ के अपना ये काम करते हैं। उसके बाद हमारा जो क्रियांस है बहुत ज्यादा, तो ये सब चीजें भी हो गई थी बहुत ज्यादा कि ये टाइम देंगे और व्यूज नहीं आता है, रिस्पॉन्स तो अच्छा नहीं आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जी व्यूज की बात हो ही गई है तो चलिए व्यूज के बारे में जो है डिटेल से बात करते हैं। हमारा जो पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है उसे स्पष्ट हो गया है कि किन चीजों से व्यूज आता है। सबसे ज्यादा आता है कि अगर आप निगेटिविटी फैलाओ सबसे ज्यादा व्यूज मिलेगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद आप जो है शो ऑफ करो उसके ऊपर आपको व्यूज मिलेगा। फिर उसके बाद जो है सिंपैथी नहीं होता है लेना एक, तो वो एक आप लो तो उससे आपको व्यूज मिलेगा। अगर मैं अभी डाल दूं ना कि मेरी सास से लड़ाई होगी, मेरी सास ने मुझे मारा, मेरी जेठानी देवरानी में लड़ाई हो गई, तो चलेंगे। तो ऐसा होता है जी, तो YouTube का मैं बता रहा हूँ ऐसा ही चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर है जी, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ एक तरह से। जैसे कि मैं कुछ चैनल का नाम लेता हूँ, मैं यह नहीं कहूंगा कि वो लोग जो है जानबूझकर कैसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है ऐसा करना। तो जैसे कि एक है जट प्रभजोत, उनका मैं चैनल देखता हूँ, वह ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, जगह जगह घूमते हैं, काफी अच्छा लगता है वीडियो। लेकिन उनका वीडियो का आप जो टाइटल और थंबनेल देखेंगे आप, तो देखिएगा कि सारा निगेटिव ही रहता है। मतलब सारी वीडियो अच्छे हैं इनके, लेकिन इसमें जो है टाइटल और थंबनेल उनको निगेटिव डालना पड़ता है। फिर उसके बाद बाकी एक और क्रिएटर है अपने इंडियन बैकपैकर, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लाया उन्होंने कि स्कॉर्पियो से जो है इंडिया से वो लंदन पहुंचेंगे स्कॉर्पियो से, और सही में अपने आप में यूनिक कंटेंट है। लेकिन इसके ऊपर भी उनको मैं देखता हूँ कि निगेटिविटी डालना पड़ता है, लेकिन तो नहीं चलेगा। तो लेकिन तो उनको भी निगेटिव टाइटल यहाँ पर डालना पड़ता है ताकि लोग क्लिक करें कि बात क्या हो गई है। कंपटीशन आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक एक टॉपिक पर लाखों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उन लाखों के बीच में जो है आपको अपने वीडियो पर क्लिक करवाना है। तो जब क्लिक करेंगे तभी लोग देखेंगे, तो वो क्लिक पाने के लिए जी बहुत ही करना पड़ता है। जो कि मुझे लगता है कि मेरा जो एक आइडियोलॉजी है, मेरा जो अपना एक सिद्धांत है, उसके विरुद्ध जा करके वो सब काम करना पड़ जाता है। तो वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता था करने के लिए, तो इस वजह से भी सोचता था यार छोड़ो ये सब चीज। बिल्कुल अपना भी मैं चैनल का देखता हूँ, जब भी हम कुछ पॉजिटिव चीज डाले हैं तो उसके ऊपर जो है उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और जब निगेटिव चीज कुछ जैसे ही डल जाता है। स्टार्टिंग में जब हम लोग आए हुए थे, जब हम लोग टिकटॉक से यहाँ पर आए हुए थे, जो मैं देख रहा हूँ पिछले का 1-1.5 साल से ये कल्चर शुरू हो गया है वह चीज, तो ऐसा ऐसा कुछ मजबूरी हो गया है जी क्रिएटर का कुछ करना। तो मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसे मजबूरी में नहीं बंधना, छोड़ो यार ये सब चीज, तुमको करना है तो तुम कर लो, मैं करना मुझसे नहीं हो पाएगा। और बाकी जी यहाँ पर शो ऑफ बहुत ज्यादा करना पड़ता, देखते होंगे अगर हम नॉर्मल से बर्थडे मना रहे हैं तो नहीं चलेगा। अगर हम उसी को धाम कर ले बर्थडे एनिवर्सरी तो वो वीडियो चलेगा, क्योंकि हम लोग से पॉसिबल नहीं, तो हर बार पॉसिबल नहीं होता है जी ये सब करना। अपना एक बजट भी होता है और अंदर से एक इच्छा भी होना चाहिए अपना कि हाँ हम मन से ऐसा बर्थडे बनाना चाहते हैं, ये सब चीज नहीं बस हमें व्यूज के लिए ऐसा बर्थडे बनाना पड़ेगा। तो इस बात से जी हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, नहीं कहते अपना दिल मानता नहीं कि यार ये सब चीज हम करें, तो जी यह था एक जो यूट्यूब का व्यूज का जो यह कल्चर है लाने का, तो इसमें हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। और उसके बाद अब जी बात करेंगे जी हम अगला टॉपिक पर, यूट्यूब की पॉलिटिक्स। जी हाँ यहाँ भी पॉलिटिक्स होती है और अच्छी खासी पॉलिटिक्स होती है। आपने तो कुछ पॉलिटिक्स देखा भी होगा, बड़े बड़े लोगों के बीच में, छोटे छोटे लोगों के बीच में भी होता है, हम जैसे छोटे क्रिएटर के बीच में भी। हम जब अपना जॉब कर रहे थे जी, अच्छी खासी इनकम थी, अपना एक परिवार था और माँ बाप को लेकर के, पैसे को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझको उनको पैसा से सहयोग करना पड़े, ऐसा कुछ फाइनेंशियल अच्छा कंडीशन का भी जॉब है, हमारे सास का भी, तो हमारे ससुर जी का भी है, बिल्कुल। तो मेरे ऊपर उतना ज्यादा कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तो आराम से उसी में चल सकते थे। लेकिन यूट्यूब पर इसीलिए आए हुए थे, लग रहा था कि अपना काम होगा, अपना एक पहचान होगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी राजनीति नहीं होगा, जैसा कि कंपनी में होता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर प्रमोशन पाने के लिए, बाद जो है अपना इंक्रीमेंट पाने के लिए, फिर उसके बाद बॉस के नजर में अपना अच्छा बनने के लिए, मैनेजर के नजर में एक अच्छा छवि बनाने के लिए, तो वो सब पॉलिटिक्स से सोचा कि चलो दूर हटके है, अपना ही काम होगा। लेकिन जी
यहाँ भी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए और मुझे लगता है कि यहाँ जैसा पॉलिटिक्स वैसा पॉलिटिक्स तो हमने झेला भी नहीं अपने 8 साल के करियर में। मैं कहती हूँ ना कि ये इतना परेशान रहे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारी माँ डेली मंदिर में जाकर के कहती थी कि जिन्होंने इनको इतना परेशान किया है वो एक दिन इंसाफ जरूर होगा। भगवान थोड़ा तो इंसाफ हुआ भी और होगा। वो कहती है कि तुम देखना मेरे बच्चे को इतना रुलाया। इनके अंदर ये चीज है ना कि ये अंदर कुछ नहीं रखते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी प्यार दिखा देते हो ना तो ये आपको इतना प्यार देंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। और इनके साथ कोई खराब कर रहा है तो इंसाफ जरूर करेंगे। हाँ इंसाफ हुआ भी थोड़ा हुआ है लेकिन और होगा। वो आप लोगों के सामने भी आएगा कुछ दिनों में। तो जी अगर यूट्यूब की पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको क्लियरली थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को टारगेट नहीं करना है। तो यहाँ पर किस तरह का पॉलिटिक्स सब झेलना पड़ा जी। यहाँ पर होता क्या है जी, यहाँ पर जब आपके व्यूज आ रहे होते हैं, आपके सब्सक्राइबर अच्छे खासे आपका एक बेस बन गया होता है, तब आपसे जो है बहुत कोई मिलकर के आपसे चाहेंगे कि दोस्ती करे, सब कुछ करे। और जैसे ही आपका व्यूज डाउन होना शुरू हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनका क्या है कि अगर वो थोड़ा सा भी प्यार दिखा देता ना, ये नहीं समझते हैं कि उसके पीछे उसका राज क्या है। ये बस अपना 100% है कि मैंने जो है कितने सारे क्रिएटर की मदद करी होगी। हाँ। बहुत सारे क्रिएटर की जो सिर्फ इंस्टा पर थे, किसी और प्लेटफॉर्म पर थे और उनको यूट्यूब के बारे में नहीं पता, फेसबुक के बारे में नहीं पता, तो कितनों को मोटिवेट कर करके लाए। क्योंकि बहुतों का मैं कंडीशन देख रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन जो उनका सही नहीं है, तो मुझे मालूम था कि एक रास्ता यह भी है कि जहां से जो है आप जो है पैसे कमा सकते हैं। तो उनको मदद किया जी, पूरे अच्छे से बताया, नहीं कहते हैं A to Z जो होता है, चाहे उनका अकाउंट बनाने से लेकर के उनका जो पेमेंट होता है वो सब सेटअप करने से लेकर एडसेंस का जो पिन होता है वो सब चीज, कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, कभी कॉपीराइट क्लेम आ गया, कुछ भी जो टेक्निकल सपोर्ट बनता है, जो भी हमारा नॉलेज था, चाहे यूट्यूब का हो चाहे फेसबुक का हो, हर जगह हमने मदद किया। और मुझे लगता है कि मैं गिन नहीं सकता हूँ कि मैंने कितने सारे क्रिएटर की मदद करी होगी। जो आज क्या मिला इनको रोना जो कि ये इतना रोए हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मुझे सबसे इसलिए पता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनको 100% दिया और उन्होंने ऐसे किया मेरे साथ। जी बात क्या है जी, इनको इतना नहीं समझ है कि दुनिया ऐसी ही है। और किसी से हमारी लड़ाई नहीं हुई, सही बात क्या है, किसी से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं हुई। बस खाली बात क्या था कि किसी एक का जो है उनको साथ देना था, क्योंकि उनके व्यूज आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, तो इस वजह से इस तरह से। और दूसरा कि अब हमारे व्यूज जो पहले के मुकाबले जो है अब व्यूज हमारी बहुत कम हो गए, तो इस वजह से मतलब ना कोई लड़ाई हुआ ना झगड़ा हुआ, बस अपने फायदे को लेकर के जो है मतलब किसी का नुकसान पहुंचा देना। तो जी ऐसा हमने आज तक किया नहीं था, तो हमारे साथ ऐसा हो गया यह सब कुछ करने के मतलब सबके लिए अच्छा करने के बावजूद, हमें जी नहीं कहते हैं एक तरह से बहुत ज्यादा झटका लगा और लगता है कि मैं भुला नहीं पाया। लगभग 1.5 महीने तक मेरे दिमाग में यह सब चीज चलता रहा कि आखिर क्यों हुआ मेरे साथ। लास्ट टाइम 15 दिन उन्होंने काम छोड़ा था लेकिन फिर माँ इनको बहुत कहते हैं ना, परिवार हमारा इतना अच्छा है ना कि मेरे लिए वो इतना कुछ सोचते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग छोड़ ही चुके थे। माँ इनको इतना मोटिवेट की, इतना मोटिवेट मतलब सबको इनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। चाहे माँ हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल हो, चाहे जो भी क्रिएटर की कुछ कम्युनिटी हो, जी हाँ बहुत सारे खराब एक्सपीरियंस आए हमारे क्रिएटर की कम्युनिटी से, लेकिन कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी आए। और मुझे याद है एक जैसे अपने भाई को डांटा जाता है, वैसे डांट लगाए कि आप जो है, उनको पता चला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर इनको लगा। तो मुझे अपनी एक बड़ी दीदी की तरह जी इतना समझाया हमें, और इसके अलावा और भी कुछ कुछ क्रिएटर थे, तो इतना समझाया कि आप आओ यहाँ पर, मतलब कुछ लोगों के कारण जो है आप जो है क्या करोगे, आप जो है काम करना छोड़ दोगे, ऐसा करके आप इतना आगे आए हो, क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा आपने, बहुत कुछ झेला होगा, मुझे पता है कि आप कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँचे हो, और इसमें आपने कोई भी गलत नहीं किया है, अपनी मेहनत से आप आगे आए हो, मैंने देखा है आपको। और आप ऐसे छोड़ दोगे किसी के कहने पे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्या किया, तो उनकी डांट का ही असर है कि आज जो है हम अपना यह वीडियो आप देख रहे हैं, और साथ में आप लोगों का प्यार है जो खींच करके वापस लेते आया, क्योंकि हमें लगा कुछ कुछ चीज जो निगेटिविटी आई उसके बीच में भी मैं देखा कि आप लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, कि मेरा कोई भी ऐसा कोई निगेटिव इमेज नहीं वो बना। सोच, वो मतलब आपको इतने टाइम से देख रहे हैं ना, तो लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो। तो जी मतलब यही जो प्यार आप लोगों का था, एक तरह से कह सकते हैं कि हमें वापस से खींच करके यहाँ पर ले आया है, और अब यहाँ पर जो है कमबैक करेंगे। और जी बात हो ही गई है कमबैक की, तो यही है हमारा चौथा पॉइंट जो कि हम आगे के प्लान के बारे में बातचीत करते हैं। जी हाँ अब हमारा अगला प्लान यही है कि हम आएंगे और पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आएंगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को जो बहुत इंटरटेन करेंगे, कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। हमारा वीडियो देख करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ
हमें इस वीडियो से कुछ तो मिला हुआ है, तो पूरी ताकत के साथ आएंगे। तो हमारे साथ अच्छे टाइम पे थे और बुरे टाइम पे साथ नहीं थे। हाँ। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि कोई बात नहीं, हमें तो लग रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, फिर मेरे हमको ध्यान आया कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। भगवान ने सही टाइम पे मुझे एक दिशा दिखाई कि तुम ऐसे ग्रो करो। और जो मुझे लगता है कि भगवान ने जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जो एक हथौड़ा मारा, मतलब हमने क्या था कि बहुत बड़ा सर्कल बना लिया था अपना एक, और कुछ देखती नहीं थी कि जो भी आया हमारे पास में मदद मांगने, जो भी किसी तरह का सपोर्ट मांगने, जो भी हमारे सर्कल में घुसना चाहा, सबको घुसा लिया, सबको मदद कर लिया। कि माँ हमेशा कहती थी, हम होता है ना कोई इनवाइट किया हम लोग चले जाते थे। हाँ। लेकिन माँ हमेशा कहती थी कि नहीं जाना है, पहले सोचो समझो फिर जाना है। लेकिन हम लोगों ने बात है कि सोचा ही नहीं था कि इसका माँ को समझा दिया, माँ को भी हम लोगों ने समझा दिया, नहीं माँ वो बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है, माँ को भी हम लोगों ने घुमा दिया। जो की हमेशा कहते हैं ना कि बड़ों का सुन के आगे जाना चाहिए, तो बिल्कुल जी कि बहुत गलत हम लोग के ऊपर आया, अगर हम लोग पहले ही अगर माँ का बात मान लेते तो अभी ऐसा तो शायद हमारे साथ कुछ अच्छा होता। तो अच्छा है कि भगवान ने हमें सीख दे दिया, लिमिटेड लोगों से ही आप संपर्क में रहो, लेकिन अच्छे लोगों से संपर्क में रहो। ज्यादा लोगों से संपर्क करने में जो है फायदा होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके ज्यादा क्रिएटर से संपर्क है तो सभी के यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया कि बर्थडे का बात हो, एनिवर्सरी का बात हो, या किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन जो एक अच्छे लेवल पर किया जा रहा है और आप किसी क्रिएटर के वहां पर पहुंच जाते हैं, तो उन क्रिएटर को तो फायदा होता ही, साथ में आपको भी फायदा होता है। तो आपको एक बड़ा सर्कल बनाने से ये तो फायदा मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा जो आपको पीछे से क्या क्या मिलता है तो वह चीज हम नहीं झेल सकते। जो लोग ये सब झेल सकते हैं वो तो कर लेते हैं, वो तो कर लेते हैं जी, हमसे नहीं होता है। बिल्कुल नहीं झेला हुआ होता है जी। तो अच्छा है जी, लिमिटेड लोग के साथ ही रहेंगे और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, जहाँ तक भी आगे बढ़ेंगे। आप लोग के सपोर्ट से यहाँ तक आए हैं और आप ही लोग के सपोर्ट से जहाँ भी जाना होगा आप ही लोग के सपोर्ट से। अगर आप अच्छा करते हो तो भले रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अच्छे के साथ चलते रहोगे ना तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, लंबे टाइम तक चलेंगे। कुछ लोग ये सब चीजें करके शॉर्ट टर्म के लिए तो आगे जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो है हम नहीं बदलेंगे, हम जो थे वही हम जो थे हम वही हैं। और मेरा यही कहना था जी, मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता कभी, कि इन सब चीजों के कारण मैं अपने आप को बदल लूं। हमेशा कहते थे मुझे कि जी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। हम बोले नहीं बदलना है हमको, हम जो है वही करेंगे, जो कर रहे थे वही करेंगे। और जी मुझे ध्यान है कि एक पॉइंट के बारे में तो मैंने बात करना भूल ही गया था जी, बात थी ईमानदारी की। यहाँ पर तो ईमानदारी से भी बहुत दिक्कत होती है, और ईमानदारी से जो है दिक्कत लोगों को नहीं होती, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, आप लोग तो खुश हो जाते हैं कि अपना जो भी चीजें शेयर कर रहा है इससे हम लोगों को भी नॉलेज मिल रहा है, लेकिन दिक्कत हो जाती है साथ के कुछ क्रिएटर को। जैसे मुझे ध्यान है अभी भी कुछ शेयर करेंगे कुछ लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हमने बहुत बर्दाश्त किया, हम कुछ शेयर करेंगे फिर हमारा दिल हल्का होगा, फिर हम काम कर पाएंगे, हम किसी के कारण अपना नुकसान नहीं कर सकते, बहुत नुकसान हो गया हमारा। तो हाँ जी, बात कर रहे थे ईमानदारी की जी। हाँ, तो ईमानदारी से भी यहाँ पर कुछ क्रिएटर को दिक्कत हो जाती है। जैसे कि आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपना यूट्यूब इनकम बताइए, आपका जो सोशल मीडिया से इनकम होता है कितना होता है, तो वह सब कुछ हमने शेयर कर दिया। बहुत लोग जो है देखता हूँ कि बात करते शायद उनकी कोई मजबूरी हो, या वो शायद गलत तरह का सोच रहा हो कि अगर अपना इनकम बता देंगे तो शायद ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, शायद इसीलिए भी नहीं बताते हो। लेकिन हमने अपना इनकम जो है निस्वार्थ भाव से बता दिया कि यूट्यूब से इतना कमाते हैं। जब यूट्यूब का डाला तो कमेंट आया कि फेसबुक से कितना कमाते हैं आप उसका भी बताइए, तो हमने बकायदा उसका स्क्रीनशॉट हमने डाल दिया कि हमारी इतनी इतनी इनकम होती है। तो ठीक, कुछ क्रिएटर के हमारे पास कॉल आ गया और वो कह रहे थे कि देखिए आपको जो है ये सब वीडियो नहीं डालना चाहिए, इससे जो है कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जो ये वीडियो डाली है ना, आपकी इस वीडियो को देख करके कम से कम 40 से 50 यूट्यूब चैनल बन गया होगा। तो मैंने कहा जी आखिर बन जाए क्या हुआ, हमारे पास जो नॉलेज है हम लोगों को बांट रहे हैं, उससे कुछ लोगों का भला हो जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो हम जी जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इन सब चीजों में जो है बहेंगे नहीं, पूरे दम के साथ आप लोगों के सामने आएंगे और आप लोगों के सामने आते रहेंगे, माँ को लाते रहेंगे, अपने छोटे से बेटे को लाते रहेंगे, क्योंकि आप लोग जो है उन्हें सबसे ज्यादा मिस करते हो। हाँ। मैं देखता हूँ कि हम लोगों से ज्यादा। हाँ, मैसेज क्या आ रहा था पता है ज्यादा? हाँ। क्रियांश को क्यों नहीं दिखाते हो आप? क्रियांश को, मैं क्रियांश को कितना मिस कर रही हूँ, आप क्यों नहीं समझते हो हमारी बात को? इतने दिन, एक महीने हो गए, एक महीने में आपने क्रियांश को नहीं दिखाया, दो वीडियो जो डाला क्रियांश नहीं था उसमें, तो कितना मिस कर रही हूँ आप नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं जी, क्रियांश को भी दिखाया करेंगे। बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैं कुछ लोगों के साथ मिल चुकी हूँ, अगर मैं उनके फंक्शन में आपको नहीं दिखती हूँ तो आप लोग कमेंट करते हो कि आप वहाँ क्यों नहीं गए। तो मैं हाँ जी, इससे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि क्या हो गया है कि बहुत सारे लोगों से जो मिल ली है, बिल्कुल, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ भी चुके हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन लोगों से मिल चुके हैं, फिर उसके बाद उनकी यहाँ कोई फंक्शन होता है और वहाँ पर नहीं दिखते हैं,
तो इस बात से भी जो है दिक्कत होना शुरू हो जाता है, होता क्या कि कमेंट आने लगता है कि आप उसके यहाँ नहीं गए, आप उसके यहाँ नहीं गए, तो जी हम उस पर किसको किसको जवाब दे। और अगर बाय चांस मान लीजिए हम जवाब दे भी दे कि हम जो है इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि आप जो है वहाँ पर हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, तो इस पर एक कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से बोलेंगे वो, फिर उधर से बोलेंगे, तो हम नहीं पढ़ना चाहते, तो इन सब चीजों में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ हो, जब भी ऐसा कि किसी के फंक्शन हो रहा है और हम नहीं दिख रहे हैं, तो प्लीज आप पोक करना। कुछ लोग हैं जो ऐसे पोक करते, प्लीज नहीं किया कीजिए कि आप उनके चैनल पर जाकर के बोल रहे हैं कि वो आप लोगों की या नहीं आए, वो घमंडिया, फिर मेरे चैनल पर आ रहे हैं कि आप लोगों को नहीं बुलाया क्या ऐसे ऐसे। तो अब हम जहां भी जाएंगे अपने फैमिली से परमिशन लेंगे, अगर हमारी फैमिली बोलेगी कि वहां जाना जरूरी है, सही है, तो हम जाएंगे। क्योंकि अब हम जहां भी जाएंगे जी बहुत सोच समझ करके जाएंगे, और अब लिमिटेड लोगों के साथ ही रखेंगे अपना जो भी कॉन्टेक्ट है, जैसा कि आपको कुछ देर पहले बताया, तो हम लोग उसे यहाँ जाएंगे। इतनी ज्यादा गुस्सा हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने बोला कि अगर तुम अब कहीं गए बिना परमिशन से, तुमको अच्छा लगेगा मेरे से पूछोगे, अगर वो इंसान मुझे सही लगेगा तो तुम जाओगे, नहीं तो तुम लोगों को घर से बाहर निकालेंगे। हाँ जी, तो अब ऐसा करते हैं जिसके साथ अब यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। वैसे ढेर सारी बातें हो चुकी है और लगता है कि जितना चीज हमें याद आते है गया, सब कुछ आप लोगों से बातचीत करते गए, और लग रहा है कि मन आज थोड़ा सा हल्का हो गया आप लोगों के साथ बातचीत करके। और जी हाँ, प्लीज आप लोग किसी को भी टारगेट नहीं कीजिएगा, किसी के भी चैनल पर जाकर के हेट कमेंट नहीं कीजिएगा, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। हम लोग ये नहीं चाहते हैं, बस आप लोगों के साथ सोचा कि आज ईमानदारी से थोड़ी बातचीत कर ली जाए, ताकि मन में जो एक बोझ रखा हुआ था कि वो एक बोझ खत्म हो जाए वह चीज, और आप लोगों के सामने आकर के बातचीत खुल करके हम कर सके। फिर क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हम लोग आपके सामने नहीं आ रहे थे। तो अब इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।